अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज दिन भर के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, क्या शिक्षा मित्रों को बीएड से खतरा है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आपका दोस्तों जब भी आपकी 40-45 की टीम की सुनवाई शुरू होती है, 25 शुरू होता है, तो बीएड को लेकर दोस्तों बात वहां पर जरूर उठता है कि बीएड को नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा। क्या दोस्तों फिर बात करेंगे दूसरी अपडेट, क्या आपकी टीम आपके साथ धोखा कर रही है? जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर ये केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें अधिक समय और लगे। तो देखिए ये सवाल इसलिए दोस्तों खड़ा होता है कि पहले दो सवाल बहुत ही अहम है। देखिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, शिक्षा मित्रों को बीएड से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। पहले अगर 40-45 की जीत होती है, ठीक है दोस्तों, या 60-65 की जीत होती है, तो दोस्तों अगर 60-65 में जो भी शिक्षा मित्र पास होंगे उनको बीएड से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं, वहां पर उनको नौकरी मिलेगी। अब 40-45 पर दोस्तों शिक्षा मित्र पास होते हैं तो यहां पर भी बीएड से इनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, शिक्षा मित्रों को ये बात अब जाननी पड़ेगी कि शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार से बीएड से कोई खतरा नहीं है। अगर बीएड के बच्चे रहेंगे तो भी बीएड के बच्चे देखिए अपनी नौकरी लेंगे और शिक्षा मित्र अपनी लेंगे, क्योंकि देखिए शिक्षा मित्रों के पास 25 अंक का भारांक है तो इनको तो नौकरी मिलनी है। तो शिक्षा मित्रों को बीएड से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे क्या कि बीएड को लेकर बात क्यों शुरू हो जाती है जब 40-45 टीम की सुनवाई शुरू होती है। तो ये बात अब आपको समझना है, ठीक है ना, कि शिक्षा मित्रों की टीम को किसी भी प्रकार से बीएड से कोई खतरा नहीं है। हाँ अगर दोस्तों बीएड के बच्चों के लिए कहें तो उनको शिक्षा मित्रों से जरूर खतरा है। अगर आप एक बीएड के कैंडिडेट हैं, अगर आप ये सोचिए कि शिक्षा मित्र बाहर होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, तो बीएड के बच्चों को तो शिक्षा मित्रों से खतरा है, लेकिन शिक्षा मित्रों को बीएड से कोई खतरा नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्या सरकार लेगी बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए समय आ चुका है कि अब सरकार को ही कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है। देखिए जिस तरह से ये मामला स्लो बिल्कुल स्लो मोशन वाला गाना सुना होगा ना, तो वैसे ही दोस्तों ये केस भी बिल्कुल स्लो में ही चल रहा है। तो देखिए अब कब तक, और दोस्तों कल उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो स्लो केस है कल आपका फ्लो पकड़ सकता है। और दोस्तों बात करेंगे उसके बाद कल की सुनवाई सबसे अहम, जाने क्यों इस पर डिस्कशन होगा, क्या कल एक लंबी सुनवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे जब से 60-65 टीम का सबमिशन कंप्लीट हुआ उसके बाद से अभी तक दोस्तों एक भी बड़ी सुनवाई नहीं हो पाई है कोर्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे, बस आज रात का और इंतजार। तो जी हाँ दोस्तों, बस सच में ये बात तो सही है यार कि आज रात का और इंतजार है। कल तो दोस्तों सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है कि कल सुनवाई में आखिर क्या हो सकता है, किसका पक्ष ज्यादा मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। और दोस्तों देखिए इन बच्चों को जरूर मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, कौन से बच्चे होंगे और किनको जरूर मिलेगी नौकरी, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से बच्चे हैं जिनको 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या केस अभी लंबा चल सकता है। काफी बच्चों का सवाल आ रहा था 2022 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये कन्फ्यूजन आपके मन में ज्यादा चल रहा है कि यार 2022 में आखिर है क्या। देखिए 2022 में आपके चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उसके मद्देनजर हो सकता है कि शिक्षक भर्ती 2022 तक जा सकती है, ऐसा बच्चों के मन में डाउट आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हम तुरंत लेते हैं। पहले देखिए आपका केस 2022 तक फिलहाल किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते। इसका रीजन हम आपको बताते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई डबल बेंच में कितना भी स्लो प्रोसेस क्यों ना हो, दिसंबर लास्ट तक दोस्तों ये मामला आपका फाइनल होने ही वाला है। तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों दिसंबर तक ही आपका यह केस चल पाएगा डबल बेंच में, ठीक है ना। ऑर्डर रिजर्व होगा, मान लेते जनवरी तक आपका ऑर्डर को सुना दिया जाता है, पब्लिश हो जाता है, और वहां पर किसी न किसी टीम की जीत हो जाएगी, भले 40-45 या 60-65 किसी एक टीम की वहां पर जीत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मान लेते मामला आपका सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो वहां से बहुत ज्यादा समय लेंगे तो 6 महीने। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही हद हो जाएगी जब 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि देखिए इस बीच में कोई छुट्टी पड़ने वाली नहीं लंबी। तो भी दोस्तों मान लेते कि सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल होते ही आपका फैसला आएगा, उसके बाद तो देखिए नौकरी देनी ही पड़ेगी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं देश में। तो सुप्रीम कोर्ट का मान लेते हैं जो मामला आएगा फैसला आएगा वो अंतिम होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2020 में दोस्तों आप लोग नौकरी करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो एक और सवाल आपका था कब तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों इसके लिए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब तक आपका मामला फाइनल नहीं हो जाता तब तक दोस्तों इस पर हम लोग सिर्फ एक अंदाजा या एक गेस कर सकते हैं या एक आइडिया अपना दे सकते हैं कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। देखिए दोस्तों जैसे डबल पिन से आपका मामला फाइनल होता है उसके बाद अगर मान लेते इनके 60-65 की जीत होती है, ठीक दोस्तों जैसे पिछली बार 40-45 की जीत हुई, इस बार अगर हम मानते 60-65 की जीत होती है तो सरकार आपको अंतरिम राह पर नौकरी दे जरूर सकती है। तो अगर मान लेते हैं फिर से अगर 40-45 की जीत होती फिर क्या होगा, तो फिर दोस्तों आपका मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर तो हमें नहीं लगता कि सरकार आपको अंतरिम राह पर नौकरी देगी, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि जो फाइनल कटआउट वो 60-65 होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, देखिए सरकार का पक्ष थोड़ा मजबूत अपने आप हो जाता है। अगर सरकार चाहे कि नहीं भाई हमें 60-65 को ही जिताना है, तो दोस्तों ये भी मान के चलिए कि 60-65 की जीत हो भी सकती है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो जिस तरह आपका मामला चल रहा है बिल्कुल स्लो प्रोसेस में, तो आपको भी लग रहा होगा कि यार सरकार इसमें ज़्यादा रुचि नहीं ले रही है। खाली केस चल जरूर रहा है, लेकिन केस में सरकार का किसी भी प्रकार से दोस्तों इंटरफेरेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब जैसे चल रहा है नॉर्मली चल रहा है। देखिए अब बात करेंगे दोस्तों कल की सुनवाई सबसे अहम, जाने क्यों। देखिए हम लोग कल की सुनवाई को अहम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अभी तक 40-45 की टीम ने एक भी, जी हाँ दोस्तों अभी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ 40-45 टीम के साथ की लंबा या लंबे समय तक इनको सुना गया हो। तो दोस्तों हो सकता है कि जो कल की आपकी डेट है और समय है वो दोस्तों दोपहर 2 बजे के बाद है, मतलब लंच के बाद आपकी सुनवाई शुरू होगी। तो अगर लंच के बाद दोस्तों आपकी सुनवाई शुरू होगी तो आपको एक लंबे समय तक सुना जा सकता है 40-45 की टीम को। तो इससे होगा कि दोस्तों अगर लंबे समय तक सुना जाएगा तो सिंपल सी बात है कुछ ना कुछ हल उसमें निकल सकता है। जो भी आप देख रहे होंगे इतने दिन से हो रहा है यार कि कुछ हल ही नहीं निकल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए अभी तक दिक्कत क्या है ना, अभी तक एक भी बार लंबे समय तक आपकी सुनवाई चली नहीं है। लेकिन दोस्तों कल हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो सुनवाई होगी वो एक लंबे समय तक सुनी जाएगी और डेफिनेटली दोस्तों कल कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है। हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों ये आ जाएगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार, लेकिन दोस्तों अगर 40-45 की टीम कल एक लंबे समय तक बोलेंगे कुछ, ठीक इनके वकील तो कुछ बोलते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके सामने कुछ ना कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है कि भाई ये अपना पक्ष कैसे रख रहे हैं। और एक बात बता दें, अगर बीएड को लेकर बात होती है या कुछ और बातें होती है तो दोस्तों वो बिल्कुल भी निराश समझ लीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब दोस्तों इसको ये बात समझ जाइएगा कि भाई ये केस को अभी समय लग जाएगा, फिर अगर बीएड को लेकर ऐसे बातें चलती रही तो दोस्तों जानते हैं ना फिर आपको टाइम लगेगा। और हमने आपको पहले क्लियर कर दिया कि शिक्षा मित्रों को किसी भी प्रकार से बीएड से कोई खतरा नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों रीजन हम बता दें, कल को अगर दोस्तों एक शिक्षा मित्र सिर्फ 70 अंक भी लाया सुपर टेट में, इसका दोस्तों अगर 70% का 60% निकाले तो कितना होता है 150 में, 1-0-0 कट गया 15 चौके 60, 7 चौके 28, 28 नंबर दोस्तों इनके गुणांक बनेंगे सुपर टेट से। उसके बाद इनको 25 अंक का भार अंक कितना होगा जरा जोड़ते चलिएगा, 8-5-13 होता है, 2-2-4-1-5 53 नंबर यहाँ हो गए। उसके बाद दोस्तों 20 नंबर की इनकी एकेडमिक, देखिए दोस्तों जो लास्ट वाले 20 नंबर है इसको आप बदल भी सकते हैं आपके जितने बन रहे हो, तो इनको जोड़ें तो ये बनेगा 73। देखिए बीएड के काफ़ी कम छात्र होंगे जिनके 73 के आसपास भी गुणांक आ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 से कम ही गुणांक है, 70 से प्लस वाले बच्चे जरूर है दोस्तों, लेकिन हम नहीं मानते कि शिक्षा मित्रों कितने कम अंक आएंगे। ये हम सिर्फ 70 अंक के गुणांक को निकालें इनकी मेरिट, ठीक है दोस्तों, मतलब 70 अंक के कहने का मतलब 70 नंबर सुपर टेट। लेकिन दोस्तों 70 नंबर तो काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी शिक्षा मित्रों ने मैसेज किया था हमें, उनके नंबर 89 बन रहे थे, बीएड के बच्चों ने मैसेज किया उनके नंबर 110 तक बन रहे हैं, तो बीएड के छात्रों के नंबर तो अच्छे बन रहे हैं, 110 भी बन रहे हैं। तो दोस्तों होगा क्या, 110 का 60% होता आपका कितना 44 नंबर, 15 चौके 60 11 चौके 44 अंक का गुणांक। तो दोस्तों इन बच्चों के अगर मान लेते हैं कि एकेडमी काफ़ी अच्छी बन रही है, 25 अंक भी बन रहा है, तो इनके टोटल कितना होगा, टोटल दोस्तों इनका बनेगा 69 अंक का गुणांक। तो दिक्कत तो यहाँ आ रही ना, नंबर बताइए इनसे ज़्यादा लाएंगे, 110 नंबर एक बीएड का छात्र ला रहा, शिक्षा मित्र सिर्फ 70 नंबर ला रहा है, अंतर देखिए, ये 70 नंबर वाले छात्र 73 गुणांक तक पहुँच रहे हैं, एकेडमिक भी डाउन है, सब कुछ डाउन है, तो भी नंबर आगे निकल रहे हैं। यही दोस्तों हम बात कर रहे थे कि शिक्षा मित्रों को बीएड से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो बीएड रहे ना रहे शिक्षा मित्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और दोस्तों दूसरी बात हम बात करेंगे, जो आपकी 60-65 की टीम थी आपने देखा होगा कि भरान को लेकर काफ़ी बातें होती थी। तो दोस्तों देखिए अगर 60-65 की कल जीत होती है, ये बात भी समझ जाइए, अगर 60-65 की जीत होती है ठीक है ना, फिर भरांग दोस्तों यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि शिक्षा मित्र इतने पास ही नहीं होंगे, मान लेते बहुत ज़्यादा 3,000 पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यार कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों को भी नौकरी तो चाहिए होगी ना, 69,000 में दोस्तों फिर बाकी की जो 66,000 सीटें बचेंगी वो BTC प्लस BEd के छात्रों के लिए हो जाएगी, 66,000 सीटें। तो समझ जाइए दोस्तों कि आपकी जो टीम है अगर वो भरांग को लेकर बात करें या दूसरी टीम दोस्तों अगर आपके बीएड को लेकर बात करें, तो समझ लीजिए इस केस को लंबा करने की एक कोशिश की जा रही है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सर बच्चों को जो फर्क पड़ेगा, अगर आप 69,000 के एक सच्चे कैंडिडेट हैं, जी हाँ दोस्तों अगर सच्चे कैंडिडेट है तो आप ये जरूर चाहेंगे या तो जीत 40-45 की होगी या तो 60-65 की, 60-65 की होगी दोस्तों तो शिक्षा मित्र अपने आप बाहर हो जाएंगे, 40-45 की जीत होती है तो अपने आप बीएड और बीटीसी के छात्र बाहर हो जाएंगे। बाहर होने का मतलब वही है दोस्तों, जिन बच्चों का गुणांक बहुत ही अच्छा होगा या एक आरक्षित वर्ग से आते होंगे उन बच्चों को तो फायदा मिलेगा, लेकिन बाकी बच्चों का एक बड़े नुकसान में, मतलब समझ लीजिए एक बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। तो दोस्तों ये छोटी मोटी अपडेट थी, हमने सोचा आपको बता दिया जाए।
तो काफ़ी बार आप ऐसा देखते होंगे कि यार वहाँ पर मामला घुमाया जा रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत आप लोग अपना समझ लगाइए कि जो आप लोग इतना पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं सभी टीम वाले दोस्तों, तो क्या आपकी टीम आपके साथ जस्टिफाई कर रही है, जस्टिस कर रही है, न्याय कर रही है? कि होता क्या है, अगर आपका केस दोस्तों तीन ही कोर्ट केस में अगर आपका फाइनल हो सकता है, मतलब तीन हियरिंग में फाइनल हो सकता है, तो उसको दोस्तों हम बढ़ाकर क्यों एक साथ करते हैं, या दोस्तों तीन को बढ़ाकर क्यों दस करते हैं? ठीक है दोस्तों, बस कहने का मतलब ये इतना ही है कि कम से कम समय में अगर आपका केस फाइनल हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छा उन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 4,10,000 बच्चे हैं, सभी बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे कि हमें नौकरी मिले, और हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी उम्मीद है तो उस उम्मीद को पूरा भी होना चाहिए। अगर दोस्तों लगता है कि आपकी उम्मीद पूरी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यहाँ पर, तो देखते हैं दोस्तों कितने बच्चों को उम्मीद है कि उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, तो आपका एक लाइक आपकी एक उम्मीद बनेगा, तो आप अपने लाइक से दोस्तों अपना सपोर्ट दीजिएगा। देखिए हम कहने का मतलब क्या, 4,10,000 दोस्तों सिर्फ 69,000 बच्चों को ही नौकरी मिलेगा, बाकी बच्चों का क्या होगा, तो उनका भविष्य दोस्तों खतरे में ना पड़े, इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि अगर आपका जो रिजल्ट है या जिन बच्चों को नौकरी मिलना है वो जल्द से जल्द डिसाइड हो जाए, उससे फ़ायदा होगा। नहीं तो दोस्तों समय बीतता जा रहा है, जानते हैं ना आप लोग, जितना समय बीतेगा उतना ही पढ़ने में आपका मन खत्म होते जाता है, तो पढ़ाई अगर एक बार साल भर छूट जाए ना फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों चलिए फिर कल मिलेंगे सुबह के साथ, और लाइव कोर्ट अपडेट दोस्तों कल दिन भर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और पूछिएगा क्या आपकी टीम आपके साथ धोखा कर रही है या नहीं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स आपका। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों यूपी टेट मैथ के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 6.5 घंटे की पूरी क्लास है, अगर आप लोग दोस्तों उस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और डेफिनेटली दोस्तों उस वीडियो को एक काम करिएगा अपने दोस्तों से आप जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अगर वो तैयारी कर रहे हो यूपी टेट को लेकर तो मैथ दोस्तों एक बार आप पहले वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।